सामने जो तुम देख रहे हो यू गौ माता की समाधि है। समाधि क्यूकर बन गई के मामला था, नया साल था, सारे ने सोचा पुन कमावा लेकिन बहुत बड़ा पाप हो गया। गर्भवती जो माँ थी यानी कि माओ की माँ गौ माँ, उसको कुछ मतलब इवे डाउटफुल भी स्थिति है। कैंपर के पाछे जो बुलेरो कैंपर आ रहा है उसके पिकअप के पीछे, बुलेरो पिकअप के पीछे बैंड के जो जिनके ऊपर आरोप लगाया है भाई एक तो उससे दीदी गए थे मात है गढ़ फांसी, आरोप यूं लगाया गया भी वन तो मैं तो कहूँ भाई हम तो गाय का दूध पीण का चक्कर में गर्भवती गाय दिखी और हम इन्हें सुन्नी गाय ने लेकर जाओ थे पकड़ के घर अग भी ताकि इसका दूध पी लिया। लेकिन उस टाइम वे लोग खड़े थे जी वो आप छोटी बच्चिया हो वानी पाली जंदी अरुण बेर है मैंने के ग्रह जो बुलेरो जो पिकअप था पिकअप के पीछे उसको बांध के खुद में आगे बैठ गए। उन्हें कौन ही देखा अब भी मागल के बन रही है भीतर 6-7 महीने का बच्चा था और को घिसरा के ले गए। कुछ ऐसी विवादित वीडियो और फोटो हैं जिसको हम दिखावांगे तो बोलने से लग जाएगा। फिलहाल मेरे चुकर तो गो भक्त खड़े हैं भाई इन तो सारी बात पूछांगे। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। अरे ये जो गाय है नी मेरे भाइयों या गाय की रर माटी बिरान माटी बदीन माटी बंग के देड़े सड़क पर धक्के खावे गाड़ खावे पोलथिन खावे इस टाइम गन्नौर का इंडस्ट्रियल एरिया तो मैं लाइव हूँ। और सुनो गाय को पकड़न के जो फार्मूले हैं वे रोज की रोज नए नए बने क्योंकि इन गौ भक्ता तो ज्यादा कोई नहीं जानता इस बात ने। कदे तो डग्गी में तोड़ के गिर ले कदे छोटी गाड़ी की डग्गी में बीफ मिले है कदे आपने उनका कैंट्रम चढ़ा के ले जाएंगे कदे वो सुन्नी गाय का पकड़न का रूप माऊंगे कदे उन्हें सुंगा के ले जाएंगे कदे उन पर एसिड फेंक देंगे कदे उन पर तारकोल फेंक देंगे। जिन बेरहम लोगों ने गौ माता नहीं प्यार नहीं इसका मतलब वो अपने गौ माता विरोधी है उन्हें कोई मतलब नहीं वह क्यों कमरो रिंग करो रैम कमरो या फिर बेरहमी तमरो उन कोई रहम नहीं। तो जिन लोगों ने वह पीछे बैंक घिसराई तो फिर गौ भक्ता ने जब जानकारी मिली वो हम स्टेप बाय स्टेप बताओगे। फिर आड़े उस गौ माता की समाधि है वो गर्भवती गाय आड़े इस टाइम इन उसको उसकी एक किस्म था उसको अंतिम विदाई उसको समाधि यानी कि जो प्रक्रिया है वह दी। लेकिन वह माँ वह अपनी माओ की माँ अपने बीच में जिंदा भी उसके दी जिंदा भी रह सके दी जब वो बेरहे। फिलहाल क्या ताजा सारे हम पूछांगे एक बार भाई उराना जो सारे सारे पीछे जो उराना जो भाई सारे के सारे भाई नया साल की घटना बताओ भाई पहले सब तो पहले किने मेरा पटेरा बताओ। जय गो माता की जय श्री राम सभी भाई हो भाई। नाम भाई का मेरा नाम रवि है गांव है गुवानपुर मेरा जी। अच्छा तो मुझे सूचना मिली थी कि अपने गो भक्त है उस भाइयों ने सूचना मिली थी कि एक बलैरो पिकअप है जो कि उनको गौ माताओं के सीट के लेके जा रहे हुए हैं तो मौके पर गाय की मृत्यु हो चुकी थी इतने में पहुंचा मौके पर। अच्छा। फिर मैंने संदीप भाई को बोला संदीप भाई मौके पर आए संदीप भाई ने बाकी संदीप भाई का आपका परिचय दे दो संदीप भाई। भाई सारे भाइयों ने जय गौ माता की जय श्री राम जी भाई। भाई मेरे को रवि भाई ने सूचना दी भैया ऐसे ऐसे गौ माता को बांध के घसीट के लेके जा रहे थे ठीक है तो मैं आया मौके वारदात पे मैंने देखा गौ माता उस टाइम थाने के अंदर थी तो वे कह रहे हैं हम इसको लेकर जा रहे थे सेवा करने के लिए। कर्मो भाई आप भी जानते हो सभी जानते हैं सेवा होती है छोटी बच्चिया की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आप भी कहते हैं हम सेवा करें छोटी बच्चिया करेंगे वह बात है पर तो वह स्वार्थ है लोभ है कर्मो भाई लोभ है लोभ में वे उसको बांध के लेकर जा रहे थे ठीक है और लोभ में उसको बांध के लेकर जा रहे थे दूध पीने के लिए और वे ड्रिंक कर रहे हो कुछ भी कर रहे नया साल था और उसको बांध कर घसीट कर ले जा रहे हैं तो फिर स्वार्थ भी और डाल का पाए गया वो दूध का भी स्वार्थ कौन रहा वो तो फिर कुछ और बात होगी उन्होंने बिल्कुल कर्मो भाई घसीट के लेकर जा रहे हैं वे कह रहे हैं अगर एक दुर्घटना है दुर्घटना तो कर्मो भाई ये होती ना कि फांसी लगी उसको काटते रस्से को काटते लोभ दुर्घटना गौ माता की एक नहीं दो जान गई है। बिल्कुल बिल्कुल दो जाने की ये कर्मो भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ गौ माता को माँ कहते हैं है? आज वो माँ को ही फांसी दे रहे हम लोग सबसे पहला सवाल है हमारी जगत जननी माँ को हम फांसी दे रहे हैं जिसके खुर के अंदर भी 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। जब तो शिकायत दर्ज कराई भाई आप लोगों ने बिल्कुल गन्नौर थाना के अंदर शिकायत दर्ज करा रखी है जी प्रशासन का एक्शन हुआ जी उसका गौ माता का पोस्टमार्टम करा दिया गया है पर्चा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम में क्या निकल गया है
अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है जी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो भी मीडिया के सामने पेश करूंगा मैं, और जो पर्चा है वो भी सारे डिटेल आपके पास भेजूंगा। अच्छा, उसने पशु क्रूरता लगाई है या गौ हत्या लगाई है जी, जो भी आईओ है, अगर आईओ ने पशु क्रूरता लगाई है तो वो भी मैं आईओ के ऊपर धारा एक्ट के तहत आईओ के ऊपर भी दावा डालूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि ठीक है, तो इस पशु क्रूरता के तहत धारा लगाई है तो मैं आईओ के ऊपर पर्चा दर्ज कराऊंगा जी। आपकी क्या डिमांड है, गौ भक्तों की डिमांड क्या है? मेरे सारे गौ भक्तों की डिमांड ये है कि गौ माता को जो हमारी माँ है उसको फांसी दी गई है और गौ हत्या का हत्यारों के खिलाफ पर्चा दर्ज करा रहा है जी। अच्छा, एक बात और बताओ जी, इस टाइम देखो आप लोग तो दिन रात आपने कठुए मिलते होंगे, दिन रात आप लोगों के ऊपर हमले भी होते होंगे और आपने घटनाएं भी देखी होंगी। एक बार सारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करते संदीप भाई, किस किस डाल के फार्मूले अपना लिए हैं अपनी माँ को उठा के ले जान के, अपनी गौ माँ को काट के खान के, किस किस तरीके से ले जाए ताकि लोग भी जागरूक हो जाए। ई व्यू जो दूध का बहाना ले जान का, आपने दूध का बहाना लग गया या फिर कठुए तक पहुँचाने का बहाना लग गया, बताओ? मैं बताऊंगा जी, उनके ऊपर एक के ऊपर है ना, ये कह रहे हैं कि वो अभी खोल नहीं रहे पूरी बात को, गो तस्करी का मुकदमा भी एक के ऊपर बताया गया, किसके ऊपर है, ड्राइवर के ऊपर है या उन दोनों भाइयों के ऊपर है मुझे नहीं पता जी। यदि ड्राइवर के ऊपर भी है तो वे उसके साथ है तो कनेक्शन तो जुड़ गया ना, कितने कितने क्यों भाई, गलत क्यों भाई, अरे भाई फिर कोई अपना सगा भी हो, अरे गौ माता का हत्यारा है, अरे गौ माता का उसके ऊपर पाप और कलंक है तो फिर सगा भाई भी हो चाहे भाई, फिर तो ओड़े भी आप मतलब अपने आप को जिंदा जमीन रखते हुए आप उसके खिलाफ हो जाओ। और दूसरी बात ये बात वो बताओ, किस किस तरीके से आपने पकड़न माओ जी भी है, आप पकड़न जाओ इन है तो किस किस तरीके से लेके जाओ है ये इनको, जैसे पकड़ के ले जाओ मास को, कभी तो शिमला मिर्च के नीचे दबा के ले जा है, मेरे पास सारी वीडियो है जी, कभी नारियल के नीचे लेके जा है, कभी गोभी के नीचे लेके जा है, कभी पल लगा ले है जी, हर मेरे पास हर वीडियो है, मैं आप सारी वीडियो कहते तो आपको गैस सिलेंडर नीचे दबा ले जा जी, ऊपर दिखेंगे गोभी या फिर नारियल या फिर सब्जी, मेरे पास फोन में सारी फुटेज है जी, मैं आपको कहते हो अभी लाइव दिखा सकता हूँ, मेरे को आप व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं जागरूक करने के लिए इनको हम अपने रील बना के, क्योंकि कुछ चीज वायलेंस की बना दी भाई, आप खून की चीजें ब्लड की चीजें जिस तरह जो मैंने तस्वीर देखी ना भाई, जिस तरह वो फंदा गल रहा था माँ का, एक गढ़ फांसी दी उसको और उस माँ ने वो किस रांधे लेके गर्भवती माँ थी या उसकी समाधि है इस टाइम, वो दोनों माँ और बच्चा अरे इनको गौ भक्ता ने समाधि दी है उसको, और उसका भाई नाड़ नू समझ लो वहां घिसरदी की नाड़ कटली रस्सा गिल, इतने बुरे हालात, और फिर आप नू को भाई मम गले नहीं पड़ावा हम कवा नहीं, छाती ठोक के डंके की चोट पर नाड़ ठहके आंख मिला के कवांगे भाई, जोनसा अपनी माओ की माँ के ऊपर गई गलत नजर देखेगा, जब उसके गलत करेगा तो छाती पैट देंगे आग लगी, क्यों भाई गलत कहा भाई? माता की ना तो गलत करो ना सहो, अरे सोचो जो माओ की माँ है जिन्हें आपने तो खेत दिया था, आपने तो गऊ का जाया दिया था, जो खेत में अपना किसान का सबसे बड़ा अच्छा मित्र था, आज वो खो दिया और उसके गदर भाई को तो तेजाब फेंका है, को कवाड़ी मारा है, को जलवे मारा है, को इंजेक्शन बैठा दे है, को गड्डी ऊपर चढ़ा दे है, दिन रात आप कदे आईओ मेरे गाँव सड़ा मुरथल स्वातपन स्कूल के पास है, फ्लाईओवर के पास नजदीक में, किसी से पूछ लिया संदीप मुरथल गाँव सड़ा। अच्छा अच्छा, मेरा नाम सही है। एक चीज और कहूंगा भाई, आप लोगों ने ये बात सामान्य लगती होगी, आप नु सोचते हो गाय तो आवारा पशु है, लवारी से सड़क पर घूमने वाला ना रहे, या तो देसी गाय है गराली जो अपनी जन्नी मार धरती मां आनी, उससे भी ज्यादा कदर इसकी करो, उससे भी ज्यादा इसकी कदर करो, क्योंकि किसान अपना अन्नदाता है, धरती पुत्र है, उस किसान का सच्चा दोस्त कौन हरदा पे बलद, वो बलद खो दिया था हमने, वो बलद था बैल था है ना, और देखो वो बैल अपनी फसल ने पैदावार करके ले आ रहा, वह फसल इस असली नस्ल ने पैदा करा दी, आज वह नस्ल कर गई चाउमीन पिज्जा बर्गर ओ डोग ताता कुत्ता मोमोज मोमजा में मैगी, ये डंगा खाने वाली नस्ल के बनेगी, आज यदि बैल ने दोबारा खेत में लिया हो मैं गारंटी दू किसान जो आज प्रदर्शन कराने की जगह जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे गौ का चाहे कदर करी तो ओंदी तो कदर नहीं माचा था, मेरे किसान भाई ने कहूंगा बहुत सारे राख भी है, जो राख है उनको सैल्यूट है भाई, और जो रखना छोड़ के नीचे तारा ट्रैक्टर हो फिर भी एक बैलन की जोड़ी रखो, रहे एक बल्दा की जोड़ी फिर भी रखो, ताकि सारे देश में पूरा विश्व में एक मैसेज आवे भाई हरियाणा वाले तो आज भी
इस क्योंकि अपनी तो पहचान थी, बलारा दूध दही का खाना यू मारा, दूध दही का खाना यू मारा, दूध दही का खाना यू मारा। और सुनो ये दूध दही कौन सा, देसी गाय का, दोगली का नहीं। आज दोगली गाय का दूध पीकर दोगली सोच होगी तारी, डिप्लोमेटिक सोच होगी। आज इन गो भक्ता ने इनको पागल कब है, कोई ननु को है भाई ये तो ठठेरे हैं, कोई नको ये तो घर फालतू हैं, कोई ननु को है भाई ये तो निठल्ले हैं, कोई नको है ये तो बेले बैठे हैं, कोई नको फजुल्ले बैठे हैं। अरे इन पर आरोप लगाओ तुम। मैं बताऊंगा जी, मार तनु भी कह दे ये तो गुआ का खा है, पैरी का अपना तब पैरी में खागा जी, बार खान को ना जा। हाँ यह बात सही है, दिन रात कहूँ सड़ा मरू की खाऊंगा करमू भाई जाके। यह बात, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा मेरे भाईयो, एक देखो गो भगत ओ गो रक्षक जो है बक्षक ना बन जो भाई चांस लालच एक ऐसी चीज है स्वार्थ। मैं तो नुकूंगा मेरे भाईयो, हाँ आपने यदि इस गौ माता का बचान खातर मैं नुकू मतलब कुछ हद तक भी जाना पड़ो, गौ माता बचनी चाहिए अपनी, और गौ माता के ऊपर जो कोई भी गलत दृष्टि देखे मैं तो नुकू एक बार तो बगड़ बम लिया दो, जरूरी है। भाई कुछ नहीं करता, दिन रात गहू सड़ा मरू हूँ, चरसा गहू रोड पता बीमार ठाठा का कट्ठी कर रखी है, राज गहू देखोगे ना पे कहोगे हाथी जितनी मोटी गहू है ये तो, तना घर की बांध रहा कि इनने एक बार गहू माता ने एक बार जाकर बाइट बना के देखो, चमरी गले चल पड़ो सेवा दे। आप संदीप भाई मेरे को वीडियो भेज दियो, फिलहाल मैं आपने एक बात कहूंगा भाई, अपनी माओ की माँ को बचान खतर में भीख मांगू भाई, आप तो पहले भीख मांगी है, आज फिर हम भीख मांगा। ये गो भक्त गो रक्षक ठीक है, दिन रात ताबड़तोड़ मेहनत कर करके अपने जूते तोड़ा के, और भाई दिन रात के बिना किस टाइम गोली का शिकार भी हो जाए, किस टाइम इन पर हमले हो जाए, ये खटके भी है कहीं आगे हमले बताने लग रहा है। लेकिन आप लोगों का प्यार ताकत है, इस जोड़े में शेयरिंग करो वीडियो की भाई, 20-20 ग्रुपा में शेयर करियो, और तम भी भाई सारे अपने मोबाइल ने काटो। और सुनो इन सरकार तो मन उम्मीद को नहीं किसी तभी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो और चाहे आम आदमी पार्टी चाहे हो इनलो, ये सारे चोर चोर मसेरे भाई एक के थैली के चट्टे बट्टे हैं। काटो अपने मोबाइल दिखा भाई, ये अपने मोबाइल काटो, और इस पर संसार क्रांति पे यू लाइव है, 20-20 ग्रुप पे शेयर करो, अपनी माँ के प्रति कर्ज निभाओ और फर्ज निभाओ, और सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा, इस तो कुछ नहीं भाई। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। कर दो शेर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।